नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं श्रेष्ठ भारत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दुनिया आखिर इतनी बेचैन क्यों हो रही है? अमेरिका और जर्मनी के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र को ये समझ लेना चाहिए कि देर सवेर जर्मनी और अमेरिका की तरह उसे भी भारत की तरफ से आधिकारिक जवाब मिल जाएगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पहले जर्मनी ने सवाल उठाए, भारत ने जर्मन दूतावास के अधिकारी को तलब कर समझा दिया, फिर अमेरिका की प्रतिक्रिया आई। भारत ने अमेरिका को भी बता दिया कि उसे इस मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। जर्मनी और अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर चिंता जता रहा है, वो भी ऐसे मौके पर जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे किसी भी देश की तरह जहां चुनाव हो रहा है, भारत में भी राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ साथ सभी लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। दुनिया को उम्मीद है कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में भारत के संसदीय चुनाव में वोट कर सकेगा। एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने केजरीवाल के मुद्दे पर दी गई प्रतिक्रिया में चुनाव का जिक्र तो किया, लेकिन इस बात पर रोशनी नहीं डाली कि आखिर केजरीवाल को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस को समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शराब घोटाले में हुई है। ये भले चुनाव के वक्त हुई हो, लेकिन इस मामले में 2 साल से जांच चल रही है। गुटेरेस को ये तो पता होगा कि इसी मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में है। ऐसे में जाहिर है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनाव से सीधा सीधा लेना देना नहीं है, भले इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर घर में घमासान तो मची ही है, अब दुनिया के बड़े देश और संगठन भी इसमें कूदते जा रहे हैं। जर्मनी और अमेरिका को भारत इस मामले में खरी खोटी सुना चुका है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सबसे पहले जर्मनी की प्रतिक्रिया आई थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी ने कहा था, आरोपों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह केजरीवाल भी निष्पक्ष सुनवाई के हकदार है। भारत ने जर्मनी के दूतावास को तलब कर इसका करारा जवाब दिया था और आंतरिक मामलों में दखल ना देने की सलाह दी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मनी को कहा था कि हम इस तरह के कमेंट को न्यायिक प्रक्रिया में दखल और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं। भारत का अपना कानून है और ये एक जीवंत मजबूत लोकतंत्र है। भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों में सभी मामलों में जिस तरह कानूनी कार्यवाही होती है, इसी तरह इस मामले में भी कानून अपना काम करेगा। इस संबंध में बनाई गई सभी पक्षपातपूर्ण धाराएं बहुत अनुचित हैं। इसी तरह का जवाब भारत की तरफ से अमेरिका को भी दिया जा चुका है। सवाल ये है कि आखिर अमेरिका, जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र संघ इस मामले में इतने बेचैन क्यों है? इसका जवाब पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत में छुपा है। सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को इस समय सबसे ज्यादा फंडिंग चीन से हो रही है। कोविड के समय हमने देखा कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ चीन का बचाव करते दिखा, जब पूरी दुनिया में चीन की थूथू हो रही थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की ताकत पर प्रधानमंत्री मोदी कई बार सवाल उठा चुके हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने अमेरिका का दबाव नहीं माना। अमेरिका ने कई बार भारत को अपने पाले में करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा और अपनी तटस्थ नीति भी बनाए रखी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका और जर्मनी की प्रतिक्रियाओं को इस पूरे परिदृश्य से देखे जाने की जरूरत है। पूरी दुनिया को पता है कि अब भारत बदल गया है। भारत में मजबूत लोकतंत्र है और मजबूत कानूनी ढांचा। ऐसे में किसी दूसरे देश या संगठन को भारत को सलाह देने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।